अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मजे में नहीं एंजॉय नहीं कर रहे हैं, थोड़े परेशान हैं, उदास हैं, तो मेरा चैनल जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खैर, बहुत अरसे बाद में वीडियो बना रहा हूं, तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हुए हैं। आई वाज हेल्प बिजी, घर के कुछ काम शाम होते हैं, काम धंधे होते हैं, वो जरूर करना होते हैं अपने, तो उन चक्रों में मैं पूरा बिजी हुआ था, गुमसुम हुआ हुआ था ना स्क्वाश के लिए। हालांकि मेरी स्क्वाश बेहतर हो चुकी थी पहले से, और थोड़ा सा फुटवर्क भी अच्छा हो गया था। बात तो सही है, 4 दिनों की ट्रेनिंग में, लेकिन 6 दिन की छुट्टी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि मुझे गैप पड़ गया कोई तकरीबन 15 से 20 दिनों का टोटल। खैर, अभी मैं उठा हूँ, तकरीबन 5-6 बज चुके हुए हैं, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ इस वक्त, दूध लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक जगह से बड़ा ही असली दूध मिलता है, तो वो लूँगा। उसके बाद घर आके थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करना है, फिर खाना पीना करना है, और लाइट सा नाश्ता करना है इनफैक्ट। उसके बाद वहाँ पे एक्सरसाइज करने जाऊँगा और स्क्वाश खेलूंगा, फेंटी खाऊंगा। फेंटी खाने आने के बाद फिर दोबारा लैपटॉप पे बैठूंगा। बहुत सारे काम है पेंडिंग है, वो सारे के सारे मैंने करने हैं, अधूरे काम पूरे करने हैं। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद कोई मूवी देखूंगा। बहुत दिन हो गए कोई मूवी नहीं देखी है, कोई चस वाली मूवी आई भी नहीं। एक सीज़न आया उसका, क्रिमिनल या द जस्टिस करके आया, ये अंजलि का, अंजलि मतलब ये हमारी क्या नाम है इसका, काजल का। तो अभी वो देखूंगा, अगर वो सही लगा, उसका टेम्पो बना, तो उसके अलावा तो कोई खास नहीं है। आजकल मूवीज़ वगैरह कोई चच की नहीं आ रही हैं, सारी वही आ रही है, कोई ड्रैगन बन जाता है, कोई वगैरह बन जाता है, कोई इस तरह की मूवीज़ आ रही होती हैं कि उनके अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं, तो कोई ख़ास हिसाब किताब नहीं बन रहा है। समझ रहे हो आप?
इज़ अ प्लेस इन नियमी वन डे, यहाँ पे मैं भी रात को 12 बजे खेल रहा हूँ, एक बॉल पे छक्का चाहिए होगा, मारूंगा इरफान पठान को छक्का मारना। गुड स्क्वाश हो चुकी हुई है, इट वॉज फन, मज़ा आया, खेले, थोड़ी फिटनेस इशू आ रहा है, दोबारा टेम्पो बनेगा, दोबारा सेटिंग होगी और दोबारा फिर मैं कोशिश करूँगा कि रिदम में आऊँ। तो उसके अलावा फिर वहाँ पे मैंने अपनी एक्स देखी, एक्स वाई जेड। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो। जेड और मेरी एक्स वाई जेड कौन हो सकती क्रिकेट के अलावा। तो क्रिकेट का वहाँ पे वैसे कोई लड़का प्रैक्टिस कर रहा था, हमने कहा भैया आओ हम आपको ज़रा बॉल्स करवाते हैं। तो गेंदे शेंदे करवाई उनको, अच्छी बॉलिंग हुई बहुत और जवानी की याद ताज़ा हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे मैच हो रहा था, मैच देख रहा था टूटे हुए सपने दुखी दिल के साथ कि आए हाय, एक ही जिंदगी का सपना था बड़ा अच्छा कि क्रिकेटर बनेंगे कभी, लेकिन किधर भाई, मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास सपने नहीं देखते, वो ज़रूरियात मजबूरियाँ देखते हैं। समझ रहे हो अगर आपको अपनी लाइफ के गोल्स में से एम में से 70-80% चीज़ें भी मिल जाती हैं, सो इट्स वेल एंड गुड। और कई लोगों के तो बिल्कुल भी 1-2% चीज़ें भी नहीं मिलती, और आप जहाँ हैं जिस स्टेज में हैं उसका कोई ना कोई मकसद होता है और कोई ना कोई रीज़न होती है। और अगर हमें हर चीज़ की रीज़न समझ लग जाए, हर चीज़ की कहानी समझ लग जाए, अंडरस्टैंडिंग समझ लग जाए, इकोसिस्टम की समझ लग जाए दुनिया के, तो फिर हमसे ज़्यादा सियाना बयाना आइंस्टाइन कौन हो सकता है। खैर, उम्मीद है आपने आज का दिन मेरे साथ एंजॉय किया होगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना, खुश रहना, मज़े में, मस्ती में, लाइक करना, सब्सक्राइब करना।